Okay, this is our next topic, environmental education. With respect to ethics, morals and values. तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे के रिस्पेक्ट में ही दैट किस तरह से एनजीओस या वॉलेंट्री एजेंसीज वर्क करती हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. उनके हमने रोल्स पढ़े थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी. हमने कुछ ऐसी फेमस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझा था, स्पेसिफिकली जो कब फाउंड हुई हैं और उनके क्या स्पेसिफिक उनके क्या रोल्स हैं, उन सबको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है और उसी रिस्पेक्ट में, उस एजुकेशन के रिस्पेक्ट में एथिक्स, मॉरल्स या वैल्यूज़ क्या होते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ एनवायरमेंटल एजुकेशन? ऑल्दो अगर हम लेमैन के टर्म्स में बात करें तो हम समझ सकते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होगा. एनी फॉर्म ऑफ एजुकेटिंग अ सिंगल पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट. एंड विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट मीन्स फॉर द कंजर्वेशन, फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट. बट लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू IUCN. IUCN इज योर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. वॉट डज एनवायरमेंटल एजुकेशन मीन्स? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकग्नाइजिंग वैल्यूज एंड क्लैरिफाइंग कंसेप्ट इन ऑर्डर टू डेवलप स्किल्स एंड एटीट्यूड्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द इंटर रिलेटेडनेस अमंग मैन, हिज कल्चर एंड हिज बायोलॉजिक बायोफिजिकल सराउंडिंग्स. आप इतना पॉइंट समझ पाएंगे. तो क्या कहा गया है, एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हम लोगों को इस कंसेप्ट से क्लैरिफाई कराते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं यानी जो ह्यूमंस हैं वो किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं कल्चर के साथ और अपने एनवायरमेंटल सराउंडिंग के साथ. उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उनको जो स्किल्स डेवलप करनी है, जो एटीट्यूड, जो मॉरल वैल्यूज, जो एथिक्स डेवलप करने हैं, वो एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं. द एनवायरमेंटल एजुकेशन बेसिकली ऑल्सो इंटेल्स प्रैक्टिस इन डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फ फॉर्मुलेशन ऑफ अ कोड ऑफ बिहेवियर अबाउट इशूज कंसर्निंग एनवायरमेंटल क्वालिटी. ठीक है, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का काम सबसे पहली चीज़ क्या है? लोगों को समझाना उनके और उनके नेचर या उनके एनवायरनमेंट के साथ उनके क्या इंटर रिलेटेड कंसेप्ट हैं. देन उन बेसिकली लोगों को ये प्रैक्टिस के बारे में बताना कि किस तरह से वो टाइम टाइम पे अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग रिस्पेक्ट में कैसे वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या सेल्फ फॉर्मुलेशन कर सकते हैं कि वो इस तरह के कोड्स जनरेट करें. कोड्स मतलब वैल्यूज़ जनरेट करें जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी को सिर्फ इम्प्रूव करने में कैपेबल हो, डिग्रेड करना करने में नहीं. तो दिस इज़ द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन विच प्रूव्स दैट इट इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस टू एजुकेट अ पर्सन अबाउट द एनवायरमेंट, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट एंड द कंसेप्ट्स विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट. ओके, नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन? Every process have certain goals. Since environmental education is a process, it also have a certain goal, and the goals are described here. The first one is to improve the quality of environment. यानी हम environmental education को promote क्यों करें? To improve the quality of environment. यानी जिस तरह से मैं educate होती रहूँगी उतना ही कम गलत task को मैं operate करूँगी जो environment को harm करेगा. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन. तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हो सकता है, मैं एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट क्यों करूँ? मेरा नेक्स्ट गोल है ताकि मैं एनवायरमेंट से रिलेटेड सारी मेजर प्रॉब्लम्स को लोगों तक पहुँचा सकूँ, उनके बेसिक कॉजेज, उनके डेफिनेशंस, उनके इफेक्ट्स और उनके कंट्रोल मेजर्स, ताकि लोग उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, उनके कंजर्वेशन के लिए काम करना शुरू करें. एंड द लास्ट गोल,
अबाउट ऑफ अवर एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू क्रिएट एन एटमोसफेयर सो दैट द पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड डेवलप द केपेबिलिटीज टू इवेल्युएट द डेवलपमेंटल प्रोग्राम. तो वॉट डू वी डू एनवायरमेंटल एजुकेशन से हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना. सेल्फ डिपेंडेंट मतलब मुझे कोई आके सिखाएगा कि एनवायरमेंट को कैसे बचाना है, उसके बाद मैं एनवायरमेंट को बचाऊंगी, इस कंसेप्ट पे मैं काम ना करूं, यानी मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं और मैं खुद समझूं कि एनवायरमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएट हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना होगा, उन प्रॉब्लम्स किससे बचने के लिए क्या तरीके मुझे अपनाने होंगे, ताकि मैं खुद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकूं और कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेके आऊं जो मैं और लोगों से शेयर करूं एंड इस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में अपना रोल निभा सकूं. ठीक है, देन जिस तरह से हमारे एनवायरमेंटल एजुकेशन के कुछ गोल्स होते हैं, उसी रिस्पेक्ट में हमारे एनवायरमेंटल एजुकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं. ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर दूँ, किसी भी गोल में और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है. द गोल्स बेसिकली लेट यू रीच द टारगेट, यानी द योर टारगेट इज बेसिकली योर गोल. And what are objectives? Objectives are the small steps that you follow to reach to your goals. तो मेरे छोटे छोटे कुछ basically concerns हैं, problems हैं, जिनको मैं understand करना चाहती हूँ, ताकि उन problems को छोटी छोटी problems को solve करते करते मैं एक इस structure पर पहुँच जाऊँ कि मैं उस goal को achieve कर सकूँ जो जिसको पाने के लिए मैंने काम करना शुरू किया है. राइट, ओके, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें से फर्स्ट इज योर अवेयरनेस, देन सेकंड इज योर नॉलेज, देन थर्ड इज योर एटीट्यूड, देन वी हैव स्किल्स, देन वी हैव इवैल्यूएशन एबिलिटीज, देन वी हैव पार्टिसिपेशन. ओके, इन सब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है हम समझना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट. फर्स्ट इज योर अवेयरनेस. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उस प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए. तो अवेयरनेस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, यानी मैं सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर हो सकूँ, उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स को समझ सकूँ, उसके फंक्शनिंग या ऑपरेशंस को समझ सकूँ, जिसके रिस्पेक्ट में मैं कुछ काम कुछ बेटरमेंट करने के आगे सोचूंगी. ठीक है, देन द नेक्स्ट इज योर नॉलेज. जब मुझे पता चल जाएगा कि ये कुछ चार मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, देन मेरा सेकंड जो टास्क इज टू कलेक्ट द नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. जब मैं उस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली टू द कोर अंडरस्टैंड कर लूँगी, देन ओनली आई कैन बिल्ड सर्टेन रूल्स, सर्टेन रेगुलेशन, सर्टेन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जिसके हेल्प से मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूंगी. ठीक है, देन माय नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एटीट्यूड. एटीट्यूड इज देन आई डिसाइड कि उस प्रॉब्लम को टू द कोर समझने के बाद मैं अपना एटीट्यूड बिल्डअप करूंगी. एटीट्यूड इज व्हाट, कि मैं उस प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करती हूँ, कैसे टेक करती हूँ. से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई प्रॉब्लम, से फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग समझा, मैं उसके बारे में अवेयर हो गई, मैंने उसके बारे में सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या रीजंस है, या सब चीज़ें, एंड देन मैंने अपना एटीट्यूड बिल्डअप किया. एटीट्यूड बिल्डअप करना मतलब मैंने उस प्रॉब्लम को, क्या मैंने उस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया, क्या मैंने उसके कॉजेज को, उसके इम्पैक्ट्स को कम्प्लीटली समझा, और मेरा एटीट्यूड उस प्रॉब्लम की तरफ कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, यानी कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या मैं कुछ करने के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ. दैट बिल्ड्स माई एटीट्यूड. जिस एटीट्यूड के साथ आप काम करोगे, वो स्किल्स आपके अंदर जनरेट होने लगती है. सो उसी रिस्पेक्ट में हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है स्किल्स. स्किल्स इज बेसिकली आप क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट दैट प्रॉब्लम, यानी कि उस प्रॉब्लम को कंजर्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एज एन इंडिविजुअल क्या स्किल्स हैं. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, अगर आप किसी एनजीओ का पार्ट है तो वो आपकी एनजीओ क्या कर सकती है, और अगर आप एज एन इंडिविजुअल किसी नॉर्मल सिटीजन की तरह से सोचेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वो सब हमारे स्किल्स डिसाइड करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज अवर इवैल्यूएशन एबिलिटी. इवैल्यूएशन एबिलिटीज, जब आप किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके हैं
और आप उसकी एंडिंग तक किस तरह से पहुंचेंगे, उस प्रोसेस को आप रिफाइन करते रहते हैं, इज बेसिकली कंटिन्यूस इवेल्युएशन विच क्रिएट्स द रिफाइंड प्रोजेक्ट विच हेल्प्स इन फाइंडिंग द बेटर सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. एंड योर लास्ट ऑब्जेक्टिव इज पार्टिसिपेशन. इन सारी स्किल्स को अचीव करने के बाद भी अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, देन यू आर वेस्टिंग ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉट रीचिंग टू योर गोल्स. तो पार्टिसिपेशन इज मस्ट, पार्टिसिपेशन इज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. हर उस जगह पे अपना प्रेजेंस शो करना, जिस भी स्किल से आप कर सकते हैं. इफ़ यू हैव मनी यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, इफ़ यू हैव सर्टन स्किल्स यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, इफ़ यू हैव सम आइडियाज यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट. किसी भी तरह से अगर आप पार्टिसिपेट करें, देन यू आर क्लियरिंग योर लास्ट ऑब्जेक्टिव विच इज पार्टिसिपेशन. ओके, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं. देन वी हैव मेजर एनवायरमेंटल इशूज. अब कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स जिनके साथ हम लोग डील करने वाले हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी सब चीज़ें पढ़ चुके हैं. वी हैव अंडरस्टूड क्लाइमेट चेंज, वी नो वॉट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, देन वी नो इंटेंसिव फार्मिंग, वी हैव डीपली स्टडीड लैंड डिग्रेडेशन, वी हैव अंडरस्टूड द न्यूक्लियर इशूज, ओवर पॉपुलेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड रिसोर्स डिप्लेशन. तो ये सारी कुछ मेजर प्रॉब्लम है जो आज जिनके रिस्पेक्ट में आज एनवायरनमेंट स्ट्रगल कर रहा है, और हमको उन को बचाने के लिए उस रिस्पेक्ट में सोचना या काम करना शुरू करना है. ओके ओके, एनवायरनमेंटल अवेयरनेस इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर. तो ये जो एनवायरनमेंटल अवेयरनेस है, ये नेसेसरी क्यों है, ये क्यों एसेंशियल है, इज फर्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ द एटमोसफेयर, अपने एटमोसफेयर को बचाने के लिए. प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, हमारे जो भी लैंड रिसोर्सेज करप्ट हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए. कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अपनी जो हमने बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, उससे हम समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, यानी अलग अलग फॉर्म्स की लाइफ को कंजर्व या प्रिजर्व करने के लिए. देन वी हैव एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड हैजार्डस वेस्ट, अलग अलग फॉर्म के वेस्ट को डिस्पोज या सही फॉर्म में लेके आने के लिए. देन नेक्स्ट वी हैव प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रैफिक इन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट, जो भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स, प्रॉपर्टीज, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स या वेस्ट हैं, उनसे हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए. एंड इम्प्रूवमेंट इन लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द पुअर बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड स्टॉपिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. हमारा एनवायरनमेंट हार्म क्यों हो रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, एंड दीज रिसोर्सेज आर शेयर्ड बाय एन नंबर ऑफ पीपल, विच बेसिकली इज नॉट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन, नॉट अ प्रॉपर चैनल टू यूज दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, जिसकी वजह से पॉवर्टी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने के लिए, बिकॉज वो ऐसे रिसोर्सेज को ओपन स्पेस में यूज करते हैं विच क्रिएट्स साउंड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट. देन हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं. तो अगर आप एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाह रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं समझाऊँ कि हम इस एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी जिसको हम EVS भी कहते हैं, इस सब्जेक्ट को हम लोग बचपन से लेके पढ़ते आ रहे हैं, एंड नाउ वी आर इन अवर ग्रेजुएशन एंड स्टिल वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर. तो हर लेवल में आप पढ़ रहे हो, आपने प्राइमरी सेक्शंस में पढ़ा है, आपने सीनियर सेक्शंस में पढ़ा है, आपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ा है, देन नाउ क्या डिफरेंस है इसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने का. तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं हमारे हर लेवल में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था. जब आप प्राइमरी एजुकेशन ले रहे थे, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के बारे में बेसिक चीज़ें जानना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था. यानी मैं क्या चाहती थी, मैं अवेयर हो जाऊँ कि मेरे हमसे क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड है जो एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं. देन इन सेकेंडरी एजुकेशन हमने क्या समझा, रेलेवेंस फॉर रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस. प्राइमरी लेवल में हमने सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करी थी, देन सेकेंडरी लेवल में, सेकेंडरी एजुकेशन में हमने क्या करा, उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, यानी कि उन प्रॉब्लम्स को रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके एसोसिएट करना शुरू किया. ठीक है, देन नेक्स्ट हायर सेकेंडरी एजुकेशन में कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट, यानी स्किल्स, अब अपने स्किल्स पे काम करना शुरू किया. यानी जैसे आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाते हैं, तो आप बेसिक चीज़ों को समझते हैं, यानी आप खुद किसी रूम से जा रहे हैं तो वहाँ लाइट और फैन को बंद कर देते हैं, दिस इज
अ सिंपलेस्ट एग्जांपल, दिस कुड बी सिंपलेस्ट एग्जांपल, यानी आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज करने लगते हैं। यानी बेसिकली जब प्राइमरी लेवल से आपके पास जो एजुकेशन जो नॉलेज आई थी आपने उसको अंडरस्टैंड किया, एंड इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन आपने उस नॉलेज अंडरस्टूड नॉलेज को स्किल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। देन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट। यानी आप छोटे छोटे काम भी कर रहे हो, अब आपको क्या करना है, उन कामों को करने के साथ साथ उन कामों को नहीं करना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रुकावट बनते हैं। नाउ दिस ऑब्जेक्टिव डिफाइंस द एटीट्यूड एंड इवेल्युएशन। तो यानी अब आप किस तरह से चीज़ों को समझते हो और किस तरह से उनको इवेल्युएट करते हो, यानी आप डिफ्रेंशिएट करवा पा रहे हो इन गुड एंड बैड। तो जब तक आप हायर एजुकेशन में थे आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, जब आप कॉलेजेस में आ जाते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है अप्लाई करना और ये भी सोचना कि उस एप्लीकेशन से किस तरह के प्रॉब्लम्स एसोसिएट हो रही है, उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नेसेसरी इन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स और हर लेवल में उसका ऑब्जेक्टिव बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या थी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स। ओके, सो व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स इज अ डिसिप्लिन। एनवायरमेंटल एथिक्स इज अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज द मॉरल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग टू एंड ऑल्सो द वैल्यू एंड मॉरल स्टेटस ऑफ द एनवायरमेंट एंड इट्स नॉन ह्यूमन कंटेंट। तो अगर आप देखेंगे जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही एनवायरमेंटल एथिक्स एक डिसिप्लिन है इस एनवायरमेंटल स्टडीज का, जहाँ पे हम एक मॉरल रिलेशनशिप समझते हैं बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनवायरमेंटल कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम वो वैल्यूज़, वो मॉरल स्टेटस समझते हैं जिससे हम जो नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो नॉन ह्यूमन कंटेंट है किसी भी एनवायरमेंट का, उससे अपने आप को एसोसिएट कर सकें, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ लार्ज रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग लॉ, सोशियोलॉजी, थियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड जियोग्राफी। तो एनवायरमेंटल एथिक्स बेसिकली हर पॉसिबल सब्जेक्ट से जुड़ा होता है जो किसी न किसी तरह से एनवायरमेंट से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। देर आर बेसिकली मैनी एथिकल डिसीजन दैट ह्यूमन बींग्स मेक विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल्स अगर आप सोचेंगे कि आप एनवायरमेंटल रेफरेंस में कैसे एथिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देन हम अपने आप से सवाल पूछते हैं ना, शुड वी कंटिन्यू टू प्रोपोगेट, यानी हम इसी तरह से चीज़ों को यूज़ करना शुरू करते रहें। वॉट एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशन डू वी नीड टू कीप फॉर द फ्यूचर जनरेशन, यानी मैं समझ रही हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रेफरेंस, बट मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन रहे, ठीक है। शुड वी कंटिन्यू टू मेक गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स, यानी अभी भी क्या हम वो क्रूड ऑयल्स, क्या भी हम वही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करें अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए। मैं समझ रही हूँ कि मुझे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू होगा, पर मैं कैसे शुरू करूँ। शुड बी कंटिन्यू टू कट फॉरेस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन, मैं अब ये भी समझ रही हूँ कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कट नहीं करना है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, पर क्या करूँ मैं उसकी जगह किस तरह की चीज़ें यूज़ करूँ, क्या पॉसिबल मेथड हो सकता है, एंड सो ऑन। तो दीज आर द एथिकल क्वेश्चंस दैट वी आस्क अवरसेल्व्स ऑन डेली बेसिस। एथिकल मीन्स इसमें इन क्वेश्चंस में कुछ गलत नहीं है, यानी कि इन क्वेश्चंस में मैं एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को भी समझ रही हूँ और समस्याओं को भी समझ रही हूँ, बट मैं ये भी समझ रही हूँ कि कि इन चीज़ों को करना कैसे। तो ये एथिकल क्वेश्चंस हैं, राइट। क्या इम्पोर्टेंस है एनवायरमेंटल एथिक्स की, इन एथिक्स की हेल्प से हम क्या अचीव कर लेंगे, यानी कि हमने देखा होगा ऐसे लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते बट कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको आप अच्छे की कैटेगरी में रखेंगे या बुरे की कैटेगरी में रखेंगे, वो एथिकल पीपल हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं बट वो सही कैसे करें उनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में इस एनवायरमेंटल एथिक्स को मैं अपने अंदर लेके आऊँ उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट एंड डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज। तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, जब भी मैं एथिक्स को अपने अंदर लेके आती हूँ तो मैं सही और गलत पहचानती हूँ, तो इसके बाद हम लोग उन सारी प्रॉब्लम्स को समझने लगते हैं क्लियरली जो हमारे वजह से एनवायरनमेंट फेस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड,
inculcate moral values towards nature and learn to respect various life forms through environmental ethics. अब एथिक्स की हेल्प से बहुत सारे पॉजिटिव एक्टिविटी, पॉजिटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव नोट्स, पॉजिटिव नॉलेज मेरे अंदर आ जाती है, जिसके रिस्पेक्ट में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हर फॉर्म ऑफ लाइफ को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने लगते हैं. देन द नेक्स्ट इज कंसर्न विद द इशू ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सनल कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल लैंडस्केप, रिसोर्सेज, स्पीशीज एंड नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स. इसके बाद हम उन इश्यूज के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं जो किसी ना किसी वजह से नेचर से कंडक्ट हो रहा है. से फॉर एग्जांपल आने वाली बाढ़ या सूखा, ये एक नेचुरल डिजास्टर माना जाता है, बट ये नेचुरल डिजास्टर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू नेचुरली जनरेट होता है. तो मैं उन प्रॉब्लम्स को बहुत क्लियरली समझने लगती हूँ, उन इश्यूज को बहुत क्लियरली समझने लगती हूँ जो मेरे वजह से एनवायरनमेंट मुझे रिवर्ट बैक कर रहा है. ओके, द नेक्स्ट इज कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज ऑफ कोर्स द डायरेक्ट कंसर्न ऑफ मॉडर्न फिलोसफी. नेक्स्ट इज द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अवेयरनेस. जो एनवायरमेंटल एथिक्स हम में आ जाती है वो अवेयरनेस के थ्रू हम अपने सर्कल में, अपनी विसिनिटी में स्प्रेड करते हैं. ये एक फिलोसफी की तरह से वर्क करने लगता है जहाँ हम उस सब्जेक्ट की नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो मेरे अंदर एनवायरनमेंट एथिकली इनबिल्ट है. ओके, अच्छा, यही सब चीज़ें करने के लिए, यानी किसी एनवायरमेंटल एथिक्स को बिल्ट इन करने के लिए कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं. वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? फर्स्ट इज, लेट अस सपोज दैट पुटिंग आउट नेचुरल फायर्स, कलिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और डिस्ट्रॉइंग सम इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ओवर पॉपुलेटेड इंडिजिनियस स्पीसीज इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ अ सर्टेन इकोसिस्टम. तो अगर ये कभी कोई स्ट्रक्चर आपके पास आ जाए तो क्या हम इस एक्शन को एथिकल मानेंगे, मॉरली परमिसेबल मानेंगे? समझा देती हूँ क्वेश्चन. यानी किसी नेचुरल एक्टिविटी को, किसी नेचुरल रॉन्ग एक्टिविटी को करने के लिए अगर मैं बाउंड हो जाऊँ तो उस एक्टिविटी को क्या मैं एथिकल मानूंगी? यानी मैं अगर फॉरेस्ट फायर्स या एनिमल्स को मारना, उन चीज़ों को मैं कर रही हूँ किसी पर्पस से, तो क्या ये एथिकल है कि नहीं है? इस चैलेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना इज डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे यूज़ करते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और हम नेचर को उस फॉर्म में हार्म कर रहे होते हैं. बट अगर हम नेचर से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे देन ऑल्सो इट इज़ डेंजरस. तो इट इज़ एन एथिकल, इट इज़ अ बेसिकली चैलेंज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग समटाइम्स वेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल एथिक्स. तो मॉरली समटाइम्स सही को सही और गलत को गलत कहना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज गुड इन बैड एंड बैड इन सम गुड. सो दीज टाइप ऑफ ऑब्लिगेशंस बेसिकली क्रिएट चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल एथिक्स. जैसे ही चैलेंजेस थे वैसे ही हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एनवायरमेंटल एथिक्स को पाने के लिए. यानी एथिक्स का गोल हम समझ चुके हैं, हमें अचीव करने हैं वो वैल्यूज़, वो मॉरल्स, वो कंसर्न्स जो एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाए. इस चीज़ को अचीव करने के लिए वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव जो हम लोग फॉलो करते हैं, फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बेसिक एंड नॉन बेसिक राइट्स, मॉरल डियोंटोलॉजिकल एंड टेलीलॉजिकल एथिकल परस्पेक्टिव्स. यानी अब हमें क्या समझना है, हम अपने राइट्स में और अपने वर्क प्रोसीजर, यानी कि अपने अधिकारों में और अपने कर्तव्यों में डिफ्रेंशिएट करना सीखें. क्या चीज़ मुझे मिलनी ही चाहिए इसको अंडरस्टैंड करें, और क्या चीज़ मिलने के लिए मुझे किन एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करना है इसको भी समझें. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज सिस्टम ऑन रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन विद द एनवायरनमेंट. यानी हमने देखा है कि ह्यूमंस एनवायरनमेंट के साथ रिलीजियसली भी, कल्चरली भी एसोसिएटेड होते हैं. कल्चरली वो किसी एनिमल को किल करना, किसी पेड़ को काटना या कुछ चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं. इनका इम्पैक्ट ह्यूमंस की एथिकल वैल्यू में कितना पड़ता है? यानी कि एथिकली मुझे पता है कि इस जानवर को मारना गलत है, बट अगर मेरा रिलीजन या मेरा कोई कल्चर मुझे ये करने को कह रहा है तो मैं उस एनवायरमेंटल एथिक को कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगी? इस चीज़ को अपने अंदर इनबिल्ट कराना हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज टू डेवलप इन्फॉर्म्ड ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड जजमेंट ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज.
अपने पॉइंट्स को, अपने व्यूज को क्लियर रखना ताकि इश्यूज क्रिएट ना हो और हम डिफ्रेंशिएट कर सके बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, देन नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश एंड अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंटल इंट्रिंसिक एंड इनहेरिटेड वैल्यूज एज अप्लाइड टू एथिकल जजमेंट रिगार्डिंग द एनवायरमेंट. उन बेसिक इनबिल्ट वैल्यूज को मोटिवेट करना जो एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में मेरे जजमेंट को क्रिएट करता है, यानी सही क्या है गलत क्या है उस नॉलेज को बिल्ट इन करना ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द बिटवीन एंड अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ सेंटिमेंटिज्म बायोसेंट्रिज्म होलिज्म टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी कि लोगों की भावनाओं को भी समझना, नेचुरल कॉजेज को भी समझना, उन इश्यूज को भी समझना जो एनवायरमेंट की तरफ से हो रहे हैं और उसके बाद किसी चीज़ को ऑपरेट करना इज अवर बेसिक टास्क एंड टू डू इट प्रॉपरली इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स. ओके, सो दिस वॉज इट. आई होप लेक्चर क्लियर होगा. प्लीज़ कोई डाउट हो तो पूछें. थैंक यू.